हेलो एवरीवन, दिस इज मनिकांत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाई इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्या कारण है कि पाई का वैल्यू निकालते निकालते कई मैथमेटिशियंस खुद तो निकल गए पर पाई का वैल्यू नहीं निकला? आखिर क्या है वो रहस्य जिसे दुनिया आज तक पर्दा नहीं उठा सकी? आखिर क्या कारण है कि नासा ने पाई के वैल्यू को पॉइंट में 15 डिजिट यानी कि 15 अंकों तक उपयोग किया? आखिर यह पाई का जो वैल्यू है वह कितना सही है और कितना गलत है जो हम आज तक पढ़ते हैं? कि आप जानते हैं कि पाई दिवस ही मनाया जाता है? आखिर क्या संबंध है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिनका जन्म 14 मार्च को, और स्टीफन हॉकिंस का, जिनका मृत्यु 14 मार्च को ही हुआ था? क्या है वो राज जिससे आप आज तक नहीं अनजान? बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आप। बस बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, पाई के इस रहस्य को समझने के लिए चलिए चलते हैं हम इतिहास के पन्नों में छुपे सुनहरे रहस्य। दरअसल बात 3500 BC यानी कि 3500 ईसा पूर्व की है, जब मनुष्य ने बनाया था पहला पहिया। मनुष्य ने बनाया था पहला पहिया और पहिए के साथ बन गई थी हमारी ठेला गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी भी, ठीक है ना। और मनुष्य क्या करते थे, अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते। लेकिन समस्या क्या थी कि जो पहिया बना था वह पूर्ण रूप से गोल नहीं, और समय के साथ साथ मनुष्य ने उस पहिए को गोल करने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि कभी भी पहिया यानी कि कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी सर्कुलर चीज़ें तभी पूर्ण रूप से गोल हो सकती हैं जब उनका व्यास यानी कि डायमीटर 7 यूनिट और उनका सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि 22 यूनिट। और यही चीज़ आपका कहलाया पाई, पाई एंड पाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाई क्या होता है, तो सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि और डायमीटर यानी कि व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं, है ना। यानी कि सर्कमफ्रेंस हमारा अगर 22 है तो आपका व्यास यानी कि डायमीटर आपका 7 यूनिट, 7 यूनिट, ठीक है ना। जिसे हम लोग आज पाई के वैल्यू के रूप में उपयोग करते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है ना। और इस वैल्यू को अब देखिए, यहीं से आपका बनकर आता है मैथ का मास्टर स्ट्रोक जबरदस्त फार्मूला जिसे आप याद करते हैं। तो चलिए समझते हैं हम उस फार्मूले को कि कैसे बना है पाई के रहस्य से ही वो फार्मूला। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, परिधि अपॉन व्यास। और हम लोग जानते हैं कि व्यास यानी कि जो डायमीटर होता है, डी जो होता है, वह त्रिज्या यानी कि रेडियस का 2 गुना। डी इज इक्वल टू 2r यानी कि पाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, पाई इज इक्वल टू परिधि बटा डी यानी कि व्यास। और इसे हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, और सी और डी, डी जो है आपका व्यास का, जो व्यास जो है आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पे हम 2r पुट करते हैं डी की जगह पर और तिरछा तिरछी गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं, वृत्त का परिधि इज इक्वल टू 2πr, जो हमने पढ़ा है, जो हमने याद किया है, यहाँ से बनकर आता है आपका। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे आखिर क्या है वो रहस्य, क्या है वो कारण कि पाई का वैल्यू निकालते निकालते कई मैथमेटिशियन खुद तो निकल गए पर पाई के वैल्यू को सही रखते हैं। अगर मैं यह बात आपसे कहूँ कि पाई बराबर 22/7 नहीं होता तो नहायत ही जरूर ही आप मुझे गलत समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पाई बराबर 22/7 जो वैल्यू हम आज तक उपयोग करते आए हैं, अपने परीक्षाओं में उपयोग करते आए हैं, जिसके लिए हमें एग्जाम में फुल मार्क्स भी दिए जाते हैं, ठीक है ना, वह जो वैल्यू है वह लगभग की वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। क्योंकि हमने पढ़ा यह भी है कि पाई एक अपरिमेय संख्या यानी कि एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डिपेंडेंट यानी कि अशांत और आवर्ती संख्या है ना। यानी कि अगर हम पाई बटा सात जो पाई का जो वैल्यू है यानी कि सॉरी 22/7 जो वैल्यू है पाई का, इसे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपका आएगा 3.142857। यह जो वैल्यू आती है 142857 जो आपका पॉइंट के बाद की वैल्यू है, यह रिपीट कर जाती है। यानी कि यह जो नंबर है आपका एक रेशनल नंबर के फॉर्म में, यह रेशनल नंबर के रूप में है यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है। अगर हिंदी में समझे तो यह जो नंबर है रिपीट कर जा रहा है यानी कि आवर्ती हो जा रहा है ना, आवर्ती हो जा रहा है। जो नंबर आवर्ती होता है यानी कि रिपीटिंग नंबर का रेकरिंग नंबर जो भी होता है, जिसका पॉइंट कैलकुलेशन देखते हैं, तो वह आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। पाई की जब एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो आपकी होती है 3.14159 समथिंग समथिंग, और यह आज तक पूरी रूप से कैलकुलेट नहीं हो पाई, जिसके वैल्यू को निकालते निकालते कई साइंटिस्ट खुद डेट कर गए यानी कि मर गए, लेकिन वे वैल्यू नहीं निकाल सके। यहाँ तक कि पाई का जो वैल्यू है उसे सुपर कंप्यूटर से भी निकाला गया
5 ट्रिलियन पॉइंट में कैलकुलेशन किया गया, उसके बावजूद भी पावर की एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर नहीं। दोस्तों हम सभी जानते हैं, मैंने इस वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि नासा जो एक अमेरिकी स्पेस स्टेशन है, यानी कि अमेरिका का क्या है, स्पेस स्टेशन है जो स्पेस में काम करता है ना। तो नासा ने पाई के वैल्यू को पॉइंट में ओनली 15 डिजिट तक यानी 15 डिजिट तक उपयोग। दोस्तों एक्चुअली है क्या कि अमेरिका का यानी कि नासा का स्पेस जो मिशन है, सबसे पुराना एक स्पेस मिशन है जिसका नाम है वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 पृथ्वी से यानी कि हमारे अर्थ के सेंटर से तकरीबन 15 बिलियन माइल्स दूर है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक सर्कुलर जो सरकमफ्रेंस बनेगा उसे जब पाई का वैल्यू पुट करके मेजर किया गया, पाई का वैल्यू पॉइंट में 3.14151 डिजिट तक यानी कि 15 अंकों तक यूज करके जब मेजर किया गया, तो एक्यूरेट जो प्रैक्टिकली जो मेजर किया गया था उसमें, और यह फॉर्मूले से जो मेजर किया गया पाई का वैल्यू यूज करके, उसमें ओनली 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच का डिफरेंस। सोचिए कि कितनी बड़ी वह डिस्टेंस है जिसका डायमीटर यानी कि रेडियस अर्थ के यानी कि हमारी पृथ्वी के सेंटर से वहाँ आपके वॉयेजर 1 तक था, जो 15 बिलियन माइल्स था। उतनी बड़ी कैलकुलेशन करने पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच का डिफरेंस है। चलिए अब बारी आती है हमारी रहस्य नंबर 3 यानी कि पाई दिवस की बात। पाई दिवस के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि पाई दिवस यही 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई के वैल्यू को आप ध्यान से देखेंगे 3.14159 समथिंग है ना। तो यह जो वैल्यू है आप यहाँ पे देखिएगा 3 यानी कि मार्च, महीना मार्च, मंथ मार्च आ गया, 14 मार्च, 159 और यहाँ से बना यानी कि 14 मार्च को 1:59 यानी कि 59 मिनट पे एग्जैक्ट आपका पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको हैप्पी पाई डे, पाई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे कि आखिर क्या है संबंध पाई दिवस से, पाई से महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का और महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। जी हाँ, यह एक महज इत्तेफाक है कि 14 मार्च को ही महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था और स्टीफन हॉकिंग का मृत्यु हुआ था। यह एक महज इत्तेफाक है और यह भी एक रहस्य आज तक बना हुआ है कि पाई का वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू होगा आज तक ना ही सुपर कंप्यूटर और ना ही किसी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन निकाल पाए। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।